गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों, अभी घड़ी में बज रहे हैं 7 और बच्चे चले गए स्कूल। बच्चे थे तभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, फिर उन लोग के जाने के बाद ना फिर बारिश हो चुकी हो रही है। ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, फिर भी हो रही है, भीगने लायक बारिश हो रही है। बहुत ही ज़्यादा उमस हो जाता है ना, तो देखिए इधर पानी वाले भी आ गए हैं भैया, तो नीचे दीदी लेती हैं इनसे पानी, तो वो भी आ गए हैं। और सड़क जितना सूखा हुआ था वही पूरा भींग जाने हैं, तो हल्की हल्की सी बारिश हो रखी है। ऐसी बारिश हो रही है ना कि पौधे में मतलब नहीं आ रही है, जैसे कि बारिश हो रही है तो पौधे में नहीं आ पा रही है, गमलों वगैरह में, बस उस तरफ हो रही है केवल, तिरछी आजकल बारिश हो रही है। और पौधे में पड़े तो पौधे भी हरे भरे हो जाते थे, तो अभी देख सकते हैं पूरा इस तरीके से हवा नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं चला। देख सकते हैं पेड़ पौधा उतना हिल भी नहीं रहा है। और आजकल बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी पड़ रही है, पता नहीं कब तक रहेगी ये गर्मी। से एकदम मन उबसा गया है, बहुत ज़्यादा इस साल गर्मी पड़ी है। और अभी मैंने चाय भी चढ़ा दिया है, और यहाँ दोस्तों चढ़ा दिया है मैंने चाय, पहले ही चढ़ा दिया था मैंने, धीमा कर दिया था, तो अभी जो है पक रही है चाय। और इधर बर्तन जो है कि साफ़ करके रख दिया है, दूध वाला छन्नी लगा के रख दिया था कि दूध वाले आएंगे तो फटाक से ले लूँगी। बारिश जो है ना तेज़ हो गई है, अभी तेज़ तेज़ होने लगी, बट कोई मतलब वो नहीं है, कोई हवा नहीं है, बिल्कुल जैसे लग रहा है उमस ही हो रहा है बिल्कुल से। तो भगोने में दूध रखा हुआ था, तो मैंने इसी में जो है कि चाय बना दिया है, थोड़ा सा दूध था तो मैंने कहा इसी में चाय बना देती हूँ, नहीं तो फिर ये भी मतलब धोना ही है, फिर दूसरे में बनाओगे तो भी धोने से अच्छा इसी में मैं जो है कि चाय बना लेती हूँ। तो इसी में जो है कि चाय भी पक रही है, और इधर भी हो रही है तेज़ तेज़ बारिश, हो चुकी है तेज़ बारिश। और आंटी देखिए कैसे काम कर रही है बारिश में भींग कर। तो ये होता है ना, अपना जो कुछ रहता है तो इसी तरह से आदमी अपना केयर करता है हर चीज़ों का। तो देखिए उधर काफ़ी तेज़ जो है कि बारिश होने लगी है। अब थोड़ी सी हवा चलती तो मौसम ठीक हो जाता, पर थोड़ी सी बारिश होती है फिर बंद हो जाती है, इसलिए और भी उमस हो जाता है। और लगातार ऐसे ही 5-6 घंटा बरसे तो मौसम कुछ मजा दे, लेकिन बल्कि एकदम गर्मी होने लगती है। इधर देखिए बिल्कुल नहीं आ रही है बारिश, इधर बिल्कुल भींगा ही नहीं है पूरा, देखिए अब उस तरफ हो रही है तिरछी तिरछी बारिश। और इधर जो है कि थोड़ी थोड़ी बारिश देखिए इधर भी आ रही है, पौधों में पड़ रही है पूरा। अब देखिए अब लग रहा है कि हाँ बारिश तेज हो रखा है, पहले जो हो रहा था तिरछा बिल्कुल हो रहा था बारिश। अब बारिश जब होता तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, बस बैठे तो हवा चले और बस बालकनी में बैठी रहूँ और बस देखती रहूँ, क्योंकि बारिश ने बहुत इंतज़ार करवाया भी है और बहुत उमस भी होता है लेट में। अब पौधों में जैसे देखें अब मतलब कि उसमें पानी पड़ रहा है, जब बरसात में जो क्या होता है कि पौधों में पानी आते हैं ना, जैसे कि बरसात का पानी तो पौधे खिलते जाते हैं। 2-3 दिन बिल्कुल धूप ही रहा तो बिल्कुल जब पौधे भी बिल्कुल इस तरीके से हो गए, बिल्कुल मुरझा गए थे। मनी प्लांट तो जो कि मेरा बिल्कुल ख़राब ही हो गया था, लेकिन पूरा मैंने काट के निकाल दिया था, पूरा झाड़ू मैंने लगा दिया था, फिर उसके बाद फिर से गंदगी हो गई। और मनी प्लांट जो है ना फिर से देखिए इतना मतलब उगा हुआ पूरा खूब बड़ा हो गया था, पूरा लरी इस तरीके से पूरा रेलिंग पे आ गई थी, लेकिन अब क्या ही अब ख़राब हो गया तो उसको काट दिया मैंने। फिर से नए नए पत्ते देखिए निकले हुए हैं, और तुलसी माता देखिए इस तरीके से जो मैं ले आई थी लगाया था मैंने इस तरीके से पूरा, और समी भगवान इस तरीके से पूरे हैं। अभी कुछ हल्की हल्की हवाएँ चल रही हैं, चाय वाय हम लोगों ने पी लिया था दोस्तों। और अब देखिए पूरी मज़े की जो है कि बारिश हो रही है पूरा, अब हवा भी चल रहा है बहुत अच्छे से, देख सकते हैं आप खूब मज़े की बारिश। बाहर आप देख सकते हैं पूरा पानी पानी हो रखा है, ऐसे में जा रही देखिए ऐसे बारिश हो ताकि मौसम ठंडा हो जाए। और अभी भी देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरे बच्चे तो चले गए हैं, ये मतलब टाइम का वो होता है ना, किसी का कितने बजे किसी का कितने बजे होता है, तो देख सकते हैं इस तरीके से बारिश। मैं तो सोचती हूँ दिन भर बारिश हो इसी तरह मौसम ठंडा रहे, थोड़ा बहुत होके रुक जाता है तो मतलब उमस टाइप की बिल्कुल हो जाती है ना गाइस। देखिए पूरा पूरा भर गया है बारिश,
और दोस्तों सारे काम हो जाने के बाद फिलहाल अगर स्नान करवाया, पूजा पाठ किया, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आज है एकादशी और एकादशी की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए लाला कितने प्यारे लग रहे हैं, तो सभी लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और यहाँ मैं बना रही हूँ जो कि सूजी का हलवा बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो यहाँ मैं अच्छे से भून लूँगी सूजी को, ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें जो है कि जो डालना होता है वो डाल दूँगी। तो आज बच्चों को सूजी का हलवा ही ले जाना था, उनके मेनू में सूजी का हलवा ही था। और कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, यह मिक्स ब्लॉग है शुक्रवार का, सॉरी बुधवार का और जो है कि गुरुवार का। तो चलिए बना लेते हैं। राधे राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो है कि मॉर्निंग का टाइम है, अभी घड़ी में बज रहा है 9:30। ये 9:30 बज रहा है और बच्चे स्कूल चले गए हैं। कल जो है ना, मैंने बहुत थोड़ा सा ही वीडियो शूट किया था, कल एकादशी था और कल जो है कि दिन भर जो कि बारिश होती थी, तो थोड़ा बारिश हुआ तो मैंने शूट कर लिया था सुबह में। लाला के आपके दर्शन भी करवा दिए थे, उसके बाद वीडियो कोई भी मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। सुबह से मैंने बनाया, जब बच्चों का टिफ़िन मैं बना रही थी तब। और बच्चों को मैंने आज टिफ़िन में दिया है सूजी का हलवा। तो जी हाँ, क्योंकि बच्चों का एक हफ्ते का पूरा लिस्ट है कि मेन्यू है स्कूल की तरफ से कि क्या क्या बच्चों को देना है, तो पहले ही आ चुका था, बस मैं नहीं दे रही थी। कोई बच्चे नहीं ले जा रहे थे, ये सब अपने मन का लेके जा रहे थे। बट स्कूल से कल मैसेज आया था कि नहीं, जो आपको मिला हुआ है मेन्यू उस हिसाब से दीजिए। तो आज गुरुवार है, तो आज के दिन उनको सूजी का हलवा ले जाना था, कल कुछ और ले जाना है, परसों कुछ, जैसे कि टिफिन परेठा हो गया, पूरी सब्जी हो गया, पोहा हो गया। तो इस सबके साथ फ्रूट अवेलेबल है, मतलब फ्रूट लेकर जाना ही जाना है, मतलब हलवा ले जाइए चाहे कोई भी चीज़ ले जाइए। तो मैंने दे दिया है बच्चों को, बच्चे लेकर चले गए हैं। फिर उसके बाद पूजा पाठ किया है और जो है कि कंटिन्यू वीडियो मैं नहीं मतलब डाल पा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मंडे के मैंने वीडियो डाला हुआ था, फिर उसके बाद कल थोड़ा सा मैंने बनाया और आज, क्योंकि कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है मेरे से, इसके लिए सॉरी। और एक बात और, आप लोग जो कि वीडियो मतलब देखते हैं, वॉच करते हैं, इसीलिए मैं अभी बोल दे रही हूँ, लास्ट में नहीं, क्योंकि एंड तक कोई देखता नहीं है, बहुत कम ही लोग देखते हैं वीडियो। तो क्योंकि वीडियो देखने के बाद दोस्तों लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक से बहुत अच्छा लगता है मेरे को और बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है लाइक जब मिलता है तो। और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया कीजिए दोस्तों अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ, अच्छा लगेगा मुझे। और पूरा वीडियो फुल वॉच किया कीजिए, इसलिए मैं अभी बोल दे रही हूँ कि लास्ट तक पता नहीं कोई मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो इसी वजह से मैंने अभी बोल दिया है। और देखिए लाला तैयार होकर, पूजा पाठ हो गया, आराम से बैठे हुए हैं, आप लोग को देख रहे हैं। क्या आप लोग को लग रहा है कि लाला स्माइल कर रहे हैं? ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा लाला स्माइल कर रहे हैं, ज़रूर से बताइए लीजिए, आप लोग देख सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। और चलिए जो है कि लाला के आपको दर्शन करवा देते हैं करीब से। और दोस्तों देखिए लाला के आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए और सभी लोग राधे राधे बोल दीजिए। और इधर भोग लगा दिया है, इधर माता रानी के दर्शन कर लीजिए। लाला के आपने दर्शन कर ही लिए होंगे और चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह धोने नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आज गुरुवार थे और जो है कि झाड़ू मेरा सुबह ही लग चुका है, पोछा लगाना नहीं है, डस्टिंग वगैरह का कोई काम मुझे करना नहीं होता है गुरुवार के दिन।
तो बस खाना खाना, लंच वगैरह, बस यही सब में है, मतलब रहता है। और जो है कि आज मेरा पार्सल आने वाला है, तो मैंने बताया था सीड्स मैंने मंगाया है, मिक्स सीड, खरबूजे का भी या और पम्पकिन सीड वगैरह, चिया सीड, फ्लैक्स सीड वगैरह, सब मिक्स मैंने मंगाया हुआ है, तो वो आ जाएगा थोड़ी देर में, तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए फटाफट जो है कि नाश्ता कर लेते हैं। दोस्तों इधर मैं आ गई हूँ किचन में और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ रात में मैंने सोख करके रख दिया था खड़ी मूँग, और इसमें मैंने डाला हुआ है दो मिर्ची और यहाँ अदरक, इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, फिर इसका जो है कि चीला बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी होता है गाइस। चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अच्छे से मैंने मिक्सी में पीस लिया था, ब्लेंड कर लिया है पूरा अच्छे से। तो यहाँ देखिए तवा चढ़ा दिया है, तो अब इसमें घी लगाते हैं, देसी घी, फिर उसके बाद इसको बनाते हैं। और इधर जो है कि अच्छे से मैंने यहाँ फैला दिया है, दाल थोड़ी सी गाढ़ी है इसलिए थोड़ा सा चीला, थोड़ा सा मोटा मोटा बन रहा है, तो दाल में ज़्यादा पानी मैंने मिक्स नहीं किया है, तो अभी डाल दिया है। और इधर से हो जाता है तो फिर इसे मैं पलट दूँगी, तो अभी इधर से हो जाता है ना, तो फिर इधर पलट देती हूँ। दोस्तों एक तरफ से हो चुका था ये देखिए, और एक तरफ से मैंने घी लगा के इसे सेक रही हूँ। रिफाइंड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है दोस्तों, और ना ही मैं करती हूँ, तो हेल्दी सा ब्रेकफास्ट जो कि बन के तैयार हो जाएगा मेरा। और एक चीला देखिए यहाँ मैंने उतार लिया है, और ये दूसरा चीला है, तो दो ही मैं लूँगी। तो ये थोड़ा सा छोटा बनाया है, और इसे जो है ना और पीछे से हो जाएगा, तो पीछे पलट देती हूँ मैं। चटनी भी मैंने पीस लिया था दोस्तों, चटनी भी मैंने धनिया और टमाटर की चटनी मैंने पीस के रख दिया है, और क्योंकि चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये, धनिया की चटनी के साथ या फिर नारियल की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो उधर दोस्तों चीला बन के तैयार है, तो देखिए यहाँ दो है, और यहाँ चटनी बना लिया था टमाटर की, तो इधर ये भी रख लेती हूँ। कोई भी चीज़ हो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसके साथ अगर चाय मिल जाए ना तो क्या ही पूछना, बट चाय मुझे लेनी नहीं है। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। नाश्ता वाश्ता तो हो गया है दोस्तों, और अभी जो कि धूप काफ़ी तेज़ थी, अभी थोड़ा सा बदली का मौसम हो गया है, बदली बदली सा लग रहा है, हल्का हल्का फुल्का धूप लग रहा है। और कल तो पूरा जो है कि दिन भर, मतलब सुबह में बहुत तेज़ तेज़ बारिश हुई थी, और फिर उसके बाद झिमिर झिमिर पूरा दिन, मतलब कि था थोड़ा बहुत, मतलब ठंडा मौसम था, लेकिन आज उतना ठंडा मौसम नहीं है कल की अपेक्षा, आज थोड़ा सा मतलब गर्म मौसम है। तो अब जो है ना चलते हैं, लंच की तैयारी करते हैं। तो कपड़े देखिए उधर टंगा हुआ है, क्योंकि कल बारिश ही हो रही थी, और कुछ कपड़े इधर उधर पूरे घर में छोटे मोटे बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना इधर उधर पूरे मैंने टांग दिए हैं। और लंच में मैं बनाने जा रही हूँ जो कि लौकी का कोफ्ता, तो लौकी का कोफ्ता बनाऊँगी, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी कोफ्ते की। तो चलिए बनाते हैं और खाते हैं, खिलाते हैं। यह जो है कि दूध भी आ गया था, तो दूध को चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए, तो ये ऊपर तक पूरा आ जाता है, मेरा ध्यान मेरा भूल जाता है, क्योंकि इधर उधर मैं चली जाती हूँ तो फिर दूध पूरा ऊपर आ जाता है। ये नहीं कहते दूध अगर रख दे वहीं खड़े रहो, नहीं तो जैसे नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली कहानी हो जाती है। तो इसे मैं ढक देती हूँ, क्योंकि मक्खियाँ मेरे आगे पीछे दौड़ रही हैं भंवरों की तरह। तो यहाँ जो है कि मैंने अच्छे अच्छे से बॉल्स बना लिए हैं लौकी के कोफ्ते का, सॉरी कोफ्ते बोल रही हूँ, जिसे उसका मतलब बनाया था ना कद्दूकस करके लौकी को, तो उसका बेसन वगैरह डाल दिया है इसमें, हल्का सा मसाला डाल दिया है, अजवाइन डाल दिया है इसमें इसके बॉल्स में। तो इसको जो है कि फ्राई कर लूँगी, पूरा डीप फ्राई करूँगी, इसे ब्राउन होने तक मैं इसे जो है कि निकाल लूँगी। तो बहुत मतलब काफ़ी 2-3 साल के बाद मैं इसे बना रही हूँ, बहुत टाइम बाद मैं इसे बना रही हूँ, इसको आँच को धीमा कर देती हूँ, बहुत टाइम बाद मैं इसे बना रही हूँ। मेरा मन क्या लौकी मैं उस दिन ले आई थी ना, मैं गई थी तब का लौकी रखा हुआ था, अभी तो मैं बना ही नहीं थी, मैं लेके आई थी मैं लौकी कोफ्ते के, क्योंकि लौकी सादा उतना मुझे अच्छा ही लगता है, तो सोचा कि चलिए आज इसका लौकी का जो है कि कोफ्ता ही बनाती हूँ,
तो सारे बॉल्स जो थे मैंने सारे डाल दिए हैं। और यहाँ लौकी का जो पानी होता है यहाँ मैंने निकाला हुआ, इसे भी मैं यूज करूँगी इसमें ग्रेवी में जब, तो बहुत हेल्दी होता है वैसे। ये देखिए अच्छे से बॉल्स जो कि बिल्कुल फुल फुल से गए हैं, तो बहुत अच्छी बनती है। जैसे इसका प्रोसेसर है ना, जैसे होता है कटहल के कोफ्ते हो गए, केले कच्चे केले के कोफ्ते हो गए, बिल्कुल ऐसे ही इसका बिल्कुल सेम इसका प्रोसेस होता है बनाने में। ग्रेवी वही रहती है और इसमें सब वैसे ही रहता हुआ है। केला का मैं तो मैंने बनाया बहुत साल पहले मैंने बनाया हुआ था, और लौकी का भी मैं अभी जो कि बहुत साल बाद ही बना रही हूँ। कटहल का तो मैंने एक बार भी नहीं बनाया, हाँ शादी वगैरह में मैंने खाया है, गया है तो वहाँ मैंने खाया, लेकिन अभी बनाया नहीं है अपने हाथों से। चलिए फटाफट जिसको फ्राई कर लेती हूँ। दोस्तों यहाँ जो है कि बन के तैयार हो गया है बॉल्स, देखिए कितना अच्छा बना है। और इसका अभी लौकी का जूस यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ मैं अभी जो है कि ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। यहाँ अच्छे से जो है कि पूरा तेल छोड़ देगा ना मसाले, तब इसमें जो है कि ग्रेवी में बॉल्स डालूँगी मैं। तो चलिए फटाफट इसको बनाती हूँ। तो दोस्तों लौकी का कोफ्ते बनके डन हो गए हैं, और इसमें हरे धनिए से गार्निश कर दूंगी। ज़्यादा मैंने ग्रेवी नहीं रखा हुआ है इसमें, क्योंकि अभी ये सोखता है ना। देखिए कितनी अच्छी सी बनके तैयार हो गई है लौकी के कोफ्ते। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और चलते हैं अब चावल बना लेती हूँ, और रोटी भी बनाने हैं मुझे। चलिए फटाफट चावल को चढ़ा देती हूँ। तो दोस्तों इधर जो है कि चावल मेरा बन गया था, और रोटी मैंने नहीं बनाया है क्योंकि बच्चे आएंगे तब गरम गरम बनाऊंगी। तो इधर हस्बैंड आ गए थे तो कुछ सामान नहीं था तो वो लेकर आए हैं, जैसे कि ये पूजा अगरबत्ती है स्टिक वाली, तो ये दो पैकेट मैंने मंगा लिया है। देखिए इसमें हर फ्लेवर के हैं, तो इधर देखिए ये मंगवा लिया है दो पैकेट, इधर ये हो गया, और इधर मंगवा लिया है पूजा के तेल जो तिल्ली वाले होते हैं ना जो जलाते हैं हम लोग, तो वो दो मंगा लिया है मैंने यहाँ पे। तो इधर साइड करती रह रही हूँ। और इधर चाय पत्ती हम लोग यही वाला यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। तो पहले वो टाटा टी यूज़ करते थे, अब ये वाला अच्छा हो रखा है तो इसे यूज़ करते थे। ये भी दो पैकेट मंगा लिया था, और इधर मंगा लिया था जो कि सूजी राजधानी के हैं, तो बच्चे लोग हलवा लेके जाते हैं ना सूजी के, तो वो मंगा लिया था। और इधर जो है ना एप्पल आ गया था, देख सकते हैं, तो इधर एप्पल मंगा लिया था। और इधर ये रोल है जो होते हैं ना मीठे वाले रोल जो होते हैं वो आ गया है। और इधर क्या है, इधर है किटकैट बच्चों के लिए, और इधर जेली है बच्चों के लिए, बच्चे कभी कभार मांगते हैं ना तो मंगवा लिया है ये। और इधर जो है ना मैंगो आ गया था, मैंगो को वॉश करना है तो इधर ये भी है, इसको भी वॉश करती हूँ। तो और इधर आ गया था पनीर, देखिए इधर पनीर पाव भर मंगवा लिया था। और इधर मंगवा लिया है तेल, सलोनी तेल मंगवा लिया था 5 लीटर का। तो देखिए यही हम लोग खाते हैं कच्ची घानी सरसों का तेल, तो ये मंगवा लिया था, ये काफ़ी टाइम हम लोग का चल जाता है। एक एक लीटर नहीं मंगवाते, 5 लीटर मंगवा लेते हैं ना तो फिर काफ़ी टाइम तक चलता है। और बच्चे भी आ गए, अपनी आवाज़ सुनी है जी, मतलब आता है तो चिल्लाते चिल्लाते आता। चलिए फटाफट इसको लगाते हैं इसकी जगह पे और रोटी बनाते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, रोटियां भी मैंने बना ली है, ज़्यादा रोटी नहीं बनाई है, बस
तीन चार ही बनाई है, चार पांच बना लिया है। और यहाँ सैलेड भी कट कर लिया है सारे, कुकुम्बर है इसमें, गाजर है, बीटरूट है और मूली है, तो ये सब कट कर लिए। चलिए थाली लगा लेते हूँ। दोस्तों हम लोग का लंच हो चुका है और सभी लोग ने लंच कर लिया है। लड्डू बाबू को भी मैंने जो है कि भोग लगा दिया है, अब वो रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि उनको मैंने सलाह भी दिया है। और पार्सल भी मेरा आ चुका है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको पार्सल अपना दिखाती हूँ कि बच्चिया सीट ही मंगाया था, मैंने नहीं बताया था मैंने, तो वही मंगाया हुआ है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा और जो है ना वीडियो काफ़ी अच्छी बड़ी लंबी हो चुकी है। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। राधे राधे, बाय बाय।